वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। हड़ताल, पूरे भारत में इसका जिक्र है। हड़ताल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने नहीं की थी, ये भारत के सभी ड्राइवरों का कहना है। कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के प्रधान अमित मदान जी ने कहा था कि अगर सरकार ने चालकों की बात न मानी तो उनके पक्ष में हम भारत के 95 लाख ट्रकों के पहिए रोक देंगे। बहुत से लोग उनके मेंबर हैं और अगर मेंबर नहीं है तो उनकी बात मानते हैं, और हड़ताल अगर वो बोलते हैं तो हड़ताल हो जाती है। कल 2 तारीख को उनकी बैठक थी, बैठक के अंदर ये तय किया गया कि भाई क्या किया जाए। तो उसके बीच में गृह मंत्रालय से उनको फ़ोन आया। फ़ोन आने पे वो लोग गृह मंत्रालय गए, वहाँ पर होम सेक्रेटरी से उनकी बैठक हुई। बैठक में ये कहा गया कि आपकी जो मांगे हैं वो मान लेते हैं, और जब तक कानून लागू नहीं होगा, जब तक आपसे बात ना की जाए, तो आप हड़ताल ना करें। ये एक मुद्दा है, क्योंकि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने तो हड़ताल की नहीं, और वो करने जा रहे थे तो उनको रोका गया कि आप मत करें। अब अगला पक्ष क्या आता है, चालक क्या कहते हैं। चालक कहते हैं कि हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। गौर से सुनिए, चालक भारत के कहते हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के सदस्य नहीं हैं, तो हमारे पे कोई कानून लागू उनका नहीं होता, नियम लागू नहीं होता। अब क्या हो रहा है वो बताने जा रहा हूँ। उनका ये कहना है, हमने अपनी गाड़ियाँ चलानी छोड़ दी क्योंकि ये जो कानून बना है, ये कानून के अंदर जुर्माना अत्यधिक है। जैसे कोई दुर्घटना घट जाती है, अवल तो कोई एक्सीडेंट करना नहीं चाहता, लेकिन कल कई वीडियो आ रही थी, एक वीडियो कल दिखाई, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, एक आदमी रोड पार करता है और रोड के किनारे खड़ा हो जाता है, पीछे से ट्रक आता है, तो जैसे ट्रक निकल जाता है तो पिछले टायरों के नीचे वो लेट जाता है और ट्रक उसके ऊपर से चला जाता है। ऐसे केस में 90 दिन चालक बंद रहेगा क्या? ऐसा कानून में तो कोई लिखा नहीं ना, उसमें तो लिखा है कि उसने हिट कर दिया, अब वो आदमी उसके ऊपर चला गया, आदमी मर गया, और वहां चालक शहर के अंदर रुक जाएगा तो क्या चालक जिंदा बचेगा? 1984 के अंदर कत्ले गारद हुई, क्या किसी को फांसी हुई? सबने सबका नाम बता दिया, कुछ हुआ क्या? लेकिन यहां पर चालक को तुरंत कैच कर लिया जाए, क्योंकि उसका लाइसेंस, उसका घर बार ट्रक मालिक को पता है या गाड़ी मालिक को पता है। जो तर्क उनका है, वो तर्क ये बताते हैं कि भाई ऐसा कानून बन गया, अगर ये लोग हमारी नुमाइंदे बन के बात करने गए थे तो क्या इन्होंने ये बात करी कि जब रोड पे हमें ट्रैफिक पुलिस वाला या परिवहन कर्मचारी रोक के प्रताड़ित करता है, गाली गलौच करता है, मारपीट करता है, उस बारे में कोई कानून बनवा के आए कि उस अधिकारी की शिकायत हम कहां करें? क्या जब ये गए थे, क्या उन्होंने गृह मंत्रालय में ये बात करी कि पूरे भारत में ड्राइवरों को ये तनख्वाह मिलेगी? क्या उन्होंने ये बात करी कि जब किसी ड्राइवर की दुर्घटना में मौत हो जाती है, उसको क्या मुआवजा सरकार देगी? क्या इन्होंने ये बात करी कि क्या अगर किसी ड्राइवर का कोई अंग कट जाता है या काम करना बंद कर देता है तो उसको कोई मुआवजा सरकार की तरफ से तय करवाया गया? क्या सरकार ने, ये जो टीम गई थी, क्या सरकार से इन्होंने कहा कि आज जो हालात हैं, जिस कदर मारा पीटा जा रहा है, क्या इनको रोकने वाला कोई है? क्या भीड़ जब उसके ऊपर अत्याचार करेगी तो कोई कानून इनके ऊपर बनाया गया है? नहीं, किसी ने चर्चा नहीं करी। तो वो कहते हैं कि हम हड़ताल क्यों करें, क्यों हम ना जाएं, और हम तो घर बैठे हैं, हमें गाड़ी नहीं चलानी, हमारे पे कोई ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से गाड़ी नहीं चला रहा ना भाई। मुझे डर है कल को अगर मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया तो पहले तो 90 दिन मुझे जेल में बैठना पड़ेगा, क्योंकि 90 दिन से पहले जमानत नहीं है, फिर मुझे पैसा जमा करना होगा 7 लाख रुपया। वो कहते हैं हमारे पास तो जमीन नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे 7 लाख रुपया। फिर वो कहते हैं उसके बाद सोचा जाएगा जमानत होगी कि नहीं होगी, 10 साल बाद होगी। तो उनका कहना है कि जो पहले मुकदमे थे 279, 304, 304A और किसी किसी में 302 लगती थी, वो मुकदमे ठीक थे, 2 साल की सजा थी, राशि का जुर्माने का कोई नहीं था, तो वो होना चाहिए। अगर आज ये व्यवस्था बनी रही तो चालक अभी भी कम है और आगे भी आने वाले समय में चालक कोई नहीं बनेगा तो हालात क्या होगी? सरकार ने आश्वासन दिया, आपको याद होगा किसान जो थे
एक साल तक दिल्ली की सरहद पे बैठे रहे, उनके नुमाइंदे भी जाते थे और कृषि मंत्री तोमर जो थे उनके साथ बैठकें करते थे, और बैठकों में उनको ये कहा जाता था कि आप हट जाइए, हम आपकी बात मान लेंगे। और आज भी उन सारी बातें होने के बाद उनका कानून में परिवर्तन नहीं किया गया, MSP पूर्णतः लागू नहीं हुआ, कैसे यकीन करें। चालकों का ये भी कहना है कि श्रीमान जी, हम आपके कहने पर स्ट्राइक वापस ले लेते हैं या हम जो घर गए हैं वापस आ जाते हैं, आप हमें ये बताएं कि कल को हमारे साथ कुछ भी घट गया तो उसके लिए कोई संगठन या कोई नंबर ऐसा है जिससे हम बात कर पाएं। समस्त भारत के अंदर आज चालक जागृत हो चुका है सोशल मीडिया के द्वारा, और वो एक ही बात कहता है कि मैं किसी का हक नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा हक तो मुझे मिले। बहुत से चालकों को मात्र 2-2 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाती है, 3-3 हज़ार तनख्वाह दी जाती है और पीटा जाता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनके ऊपर चोरी के आरोप लगाए जाते हैं, मार पिटाई होती है और कोई सुनवाई नहीं होती। दिल्ली से जितना दूर हो जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये सब बातें उन्होंने कही कि फिर कईयों ने कहा, परिवहन आयोग की बात करी क्या आपने, क्या चालक आयोग की बात आपने करी क्या। तो जब उनके सवाल सुनते हैं तो लगता है कि वो अपनी जगह ठीक है, और जब ट्रांसपोर्टरों की बात जो सुनते हैं वो लगता है कि वो ठीक है। उनका कहना है कि हमें आश्वासित कर दिया गया है कि जब कभी कोई कानून लागू होगा तो हमसे पूछा जाएगा, अगर ना पूछा तो दोबारा फिर इतनी मेहनत की जाए। एक साल क्यों बैठे रहे किसान, सरकार सुनती नहीं। आज हमारे टैंकर वाले भाइयों ने गाड़ी खड़ी कर दी, ट्रक वालों ने राशन लाना बंद कर दिया, तो मंडियों में अनाज सड़ने लगा, सब्जियां सड़ने लगी, और तेल पंप की आपको हालात पता है, पूरे भारत डगमगा गया, लाइनें लग गई थी कि तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज जब सब कुछ हो गया, जब बात करने की बात आ गई, तो एक दिन का सेशन क्यों नहीं बुलाया जा सकता। एक दिन का सेशन बुलाएं, बुलाकर कानून पारित करें, और कानून में ये भी पारित करें कि भाई ये तो वापस होगा, साथ में चुनाव आ रहे हैं आपके अभी, और अभी आप कह दोगे कि भाई आचार संहिता लगी हम कुछ नहीं कर सकते, उससे पहले कर सकते हो। चालक इसी बात का दबाव बना रहे हैं कि जब बात चली है तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हमें फ़ायदा हो जाए, उसमें लिखा जाए कि पूरे भारत में चालकों की ये सैलरी रहेगी, इससे कम अगर कोई सैलरी देता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। चालक ये कहते हैं कि हम गाड़ी लेके चलते हैं, जब बिल्टी दी जाती है उस पर लिखा जाए कि फलां फलां जगह मुझे रुकना है, फलां फलां जाके मुझे देना, फलां फलां जगह नो एंट्री होगी, और जब नो एंट्री होगी तो मेरी गाड़ी फलां यार्ड में खड़ी होगी जहां पर पुलिस या होमगार्ड के आदमी तैनात रहेंगे, जो कि मैं चालक अपनी नींद पूरी कर पाए और एक्सीडेंट ना हो। आपने इस तरफ तो कभी ध्यान नहीं दिया। आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ मेरे पास आज ना तो ड्राइवर सेकंड है और ना ही मेरे पास खलासी है, मैं खुद ही अकेला ही खलासी हूँ, खुद ही सेकंड ड्राइवर हूँ, खुद ही फर्स्ट ड्राइवर हूँ। गाड़ी लेके चलना मजबूरी है, गाड़ी बना रखी है या नौकरी कर रहा हूँ तो करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, मैं कहीं जाके जहाँ मुझे लगता है नो एंट्री है या उससे पहले कहीं रुक गया, गाड़ी में सोता हूँ, थोड़ा सी गाड़ी हिलती है, उठ के देखता हूँ कोई तेल तो नहीं चोरी कर रहा, फिर सोता हूँ, फिर रस्सा लगता है कि रस्सा खोल रहा है, फिर उठ के बाहर जाता देखता हूँ, नींद कहाँ पूरी हुई। दुर्घटना कारण तो ये है, फिर लेटा, फिर आया, अरे बैटरी खोल रहा है शायद, कोई टायर खोल रहा है, गाड़ी हिली तो टायर खोल रहा है। इस पर हमने कितनी ढेरों आपको कंप्लेन दे दी कि तेल चोरी हो रहा है, किसी ने इस पर कार्रवाई करी क्या। पुलिस के पास जा, पुलिस उल्टा हमें कहता है कि तुम चौकीदारी कौन करोगे, अपने आप चौकीदार करो। अब ये बताएं गृह मंत्री जी, हम लोग क्या हैं, चौकीदार हैं क्या। अब दुर्घटना की बात करते हैं, आपका कोई भी सुरक्षा कर्मी या परिवहन कर्मी या पुलिस कर्मी आके जब मर्जी गाली दे देता है, भड़का देता है, बोल देता है, जाम लगवा देता है, कुछ कर देता है, और दोषी हम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर कानून में कुछ गलत है उसको सुधारा जाए। आप ये चीज़ भी रखें कि अगर एक्सीडेंट आप कम करना चाहते हैं तो आप सुविधा दें, आप हर 400 किलोमीटर पर एक यार्ड बनाएं, हर 300 किलोमीटर पर एक यार्ड बनाएं जहां गाड़ियां खड़ी हो सकें, सरकार का वहां पहरा हो, कोई चोरी चकारी वहां ना हो सकती हो, ड्राइवर के लिए नहाने धोने पहनने का खाने का वहां व्यवस्था हो। कहां किया सरकार ने, कहीं किया क्या। सारी चीज़ें तो आप ड्राइवर से चाहते हैं कि मिल जाएं, लेकिन आप अपने एंड से कुछ ना करें। तो मित्रों, सारी जो निचोड़ है, जो कल
गृह मंत्रालय ने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि कानून लागू होने से पहले आपसे पूछा जाएगा। दूसरी तरफ हमारे चालक साथियों ने कहा कि जब हम बैठे हैं तो बैठे हैं, हमने कोई स्ट्राइक नहीं करी, हमारे पर कोई आवश्यक अधिनियम सेवा का जो एस्मा लगता है वो नहीं लगे, क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते, मुझे सेफ्टी नहीं है, मुझे कोई रोजगार थोड़ी दे रहा है कोई, कल को मैं कट जाऊं एक्सीडेंट में लग जाए कोई मुआवजा देने वाला है क्या? क्या कोई सरकार ने नीति तय करी है कि अगर ड्राइवर दुर्घटना में मौत होगी तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 25 लाख रुपये दिया जाएगा, या उसका कोई अंग निरस्त हो गया उसको 5 लाख 4 लाख दिया जाएगा, या उसको कोई पेंशन दी जाएगी? तो इन सभी बातों का निचोड़ था जो अभी सवेरे से लेके अभी तक का रहा। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं, हड़ताल, चक्का जाम, अपने घर पे रहना चाहते हैं या गाड़ी चलाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें, क्योंकि जितने लोग हैं सब दुविधा में हैं। कोई कहता है कि ठीक है मैं गाड़ी चलाऊंगा, कोई कहता है नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे गले में जूतों का हार पहनाया जाएगा, जैसे कल कई वीडियो में आपने देखा होगा। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो असामाजिक हैं, और मैं कहता हूं कि जो आंदोलन असामाजिक, जो हिंसक होता है वो आंदोलन चलता नहीं है। आंदोलन चलाना होता है तो शांति से चलाना होता है। और चालकों की एक मांग है कि जब भी कभी बैठक गृह मंत्रालय में हो तो उनके नुमाइंदों को भी बुलाया जाए, मतलब कि जितनी स्टेट हैं उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरे भारत का जो जहाँ जहाँ से खबरें आई वो आपको बता दी गई, जिसको जैसा लगे वो उस पर अमल कर सकता है, जो सुझाव देना चाहे सुझाव दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे सारे देश में एक जागृति हो कि जब भी फैसला हो तो फैसले में ये सारी बातें ड्राइवर की रखी जाएं, क्योंकि ड्राइवर को इतनी सुविधाएं मिल जाएंगी तो मालिक को सुविधा अपने आप मिल जाएंगी। आशा करता हूँ मेरी बात से आप सहमत होंगे। अपनी जानकारी ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और आपके पास वीडियो आती रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करा लें और जो घंटी का बटन उसको दबा लें, जिससे आपको सारी खबरें परिवहन जगत की मिलती रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।